नमस्कार दोस्तों, ये LG का 8 kg का वॉशिंग मशीन भले ही 2100 वैट का हो पर 1000 वैट के इन्वर्टर पर ये चल सकता है, इसलिए इसका हीटर बंद करना पड़ता है। मुझे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर कमेंट आए थे, ये कैसा हीटर है, इसका कैसा बंद करे वो दिखाइए, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। हीटर बंद करने के बाद ये 200 के अंदर ही इसका वैटेज रह जाता है, 1000 वाट के इन्वर्टर पर आराम से चल जाएगा। अभी ऑन करके दिखाता हूँ, देखिए ये ऑन हो गया। अभी अपन कौन सा अपने को चाहिए वो फंक्शन रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स ही रखिए, अपने मिक्स कपड़े रहते हैं, मिक्स रखने का। ये टेम्परेचर 0 और प्ले करने का, फिर 0 टेम्परेचर माने कॉइल ऑन नहीं होगी, कॉइल ऑफ रहेगी, कॉइल का वैटेज इसमें ऐड नहीं होगा। अगर अपन रेनी सीज़न में, टेम्परेचर चालू किया तो चलता है, ये टेम्परेचर बढ़ता है। अलग 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 फंक्शन का अलग अलग टेम्परेचर है, 20 है, 30 है, 40 है और लास्ट 60 है। 40 अभी ये 0 पर प्ले करे तो हीटर ऑन होता नहीं, अभी 20 पर प्ले किए तो हीटर ऑन होता है। अभी हीटर ऑन ऑन होगा फिर नहीं चलेगा इन्वर्टर पर, यह मशीन ऑफ ही रखे। देखिए और एक बार दिखाता हूँ, 30, 40, ये 0 ऑन। देखिए इधर टेम्परेचर का ये दिखता ना, इधर टेम्परेचर का ये बंद हो गया। ओके, ये मिक्स पर रखा, टेम्परेचर 0, प्ले ऑन किया। ये देखिए टेम्परेचर का ये गया, इधर का सी लिखा रहता है गया। और एक बार दिखाता हूँ, अभी 20, रखा तो कॉइल चालू होगा, जीरो रखा तो कॉइल बंद होगा, जीरो रख के ऑन किया तो। ओके धन्यवाद दोस्तों, समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। वीडियो अगर टेस्टिंग वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। ऑफ कर दिया। हैव अ नाइस डे दोस्तों।